नर्मदापुरम के रसुलिया क्षेत्र में चरण सिंह चौहान की बच्चियां रोड के किनारे गड्ढे में रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ने को मजबूर है। चरण सिंह चौहान की पत्नी सुषमा चौहान ने बताया कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हमने 3 महीने पहले बिजली का बिल जमा नहीं किया था, जिसे हमारे घर की बिजली काट दी गई। 3 महीने से हमारे घर के बच्चे रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। जब हमारी टीम ने उन बालिकाओं से बात की तो 9वीं क्लास की छात्रा दिव्या चौहान ने बताया कि 16 मार्च से मेरे 9वीं क्लास के पेपर हैं, लेकिन आर्थिक मजबूरी के चलते हमें रोड के साइड में बैठकर पढ़ना पड़ता है। उसी छात्रा की बड़ी बहन दीपलक्ष्मी चौहान ने बताया कि मेरे अभी 10वीं के पेपर खत्म हुए हैं, मैंने भी अपनी पढ़ाई इसी तरह रोड के किनारे बैठकर की, जिससे मेरे कुछ पेपर ठीक गए हैं, कुछ पेपर बिगड़ गए, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम बिजली का बिल जमा कर सकें। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन इनकी मदद के लिए आगे आता है या नहीं। आज हम नर्मदापुरम में खड़े हैं, जहाँ पर नर्मदापुरम का एक क्षेत्र है रसूलिया, जहाँ पर एक परिवार ऐसा भी है जिनके घरों में कई दिनों से लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होने के कारण उनके घर के बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। आइए अब हम उनसे पूछते हैं कि उनके घर में लाइट क्यों नहीं है। बेटा आपका नाम? दिव्या चौहान। तो आप ये लाइट के नीचे क्यों पढ़ते हैं? हमारे घर 3 महीने से लाइट नहीं है, बिल ज्यादा आने के कारण आर्थिक स्थिति खराब है हमारी, बिल न भरने की संभावना नहीं है। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 9वीं। 9वीं क्लास में। तो कब से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 3 महीने। तो आपके पेपर कब से स्टार्ट है? 16 मार्च। 16 मार्च से स्टार्ट है। तो आप ये लाइट के नीचे आपको अच्छे से पढ़ते बनता है? हाँ बनता है, आप क्या कर सकते हैं, स्कूलों का सामना करना पड़ता है। तो आपके पेपर हो चुके हैं? तो आपके आपने भी ऐसे ही पढ़ाई की थी यहाँ पे? तो आपके पेपर कैसे गए फिर? हमारे पेपर तो खराब हो गए, कुछ अच्छे नहीं। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं करी कि हम स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे? तो आपके घर में लाइट कब से नहीं है? 3 महीने से नहीं है, बिल ज्यादा आने के कारण लाइट कट गई। तो बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, बच्चों के पेपर आ रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई चल रही है बाहर बाहर की लाइट से। तो कौन कौन से क्लास में आपके बच्चे? 1 10th में 1 9th। तो आपने कहीं इसकी शिकायत या कुछ? नहीं, कहीं नहीं। तो क्या कारण था कि आपने बिल बिजली का बिल ना भर पाया? ये जो लॉकडाउन का बंद था तो वो जोड़ तो उन्होंने चार्ज दे दिया था, हमारे पास उसकी नहीं, इसके कारण।